मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के जिले में भाजपा नेता की हत्या। सेंधवा तहसील के ग्राम बलवाड़ी में रविवार की सुबह मॉर्निंग वॉक पर गए भाजपा के मंडल अध्यक्ष मनोज ठाकरे की हत्या से उस वक्त सनसनी फैल गई जब पत्थरों से कुचला हुआ उनका शव राधा स्वामी भवन के पास मिला। हत्या के बाद से ठाकरे के समर्थकों में काफी आक्रोश है। आपको बता दें कि मनोज ठाकरे पूर्व मंत्री अंतर सिंह आर्य के काफी करीबी माने जाते थे। पिछले कुछ दिनों में मालवा निवाड़ में 3 बड़ी हत्याएं हो चुकी है। सबसे पहले इंदौर में संदीप अग्रवाल की हत्या कर दी गई थी, उसके ठीक बाद मंदसौर में भाजपा के नगर पालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंदवार की भी हत्या कर दी गई थी। थाना वरला क्षेत्र का मामला है, बलवाड़ी एक गांव है, वहां का ये प्रकरण है। मिस्टर मनोज ठाकरे नाम के एक पर्सन थे जो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष डेली मॉर्निंग वॉक पर जाते थे, आज भी मॉर्निंग वॉक गए थे और मॉर्निंग वॉक जब गए तो उधर से लौटे नहीं, रास्ते में रोड के किनारे बॉडी मिली है। प्रथम दस्ता बॉडी को देखाया गया तो खून से सनी बॉडी मिली और बॉडी के पास से ही एक पत्थर भी खून से सना मिला है। तो आशंका यही है, बल्कि पूरी तरह से ये कहा जा सकता है कि उसके पत्थर से चोट पहुँचाकर हत्या कर दी गई है। सारे मामलों विस्तार से उसमें विवेचना में लिया गया है, रंजिश का भी पूरा पता लगाया जा रहा है और मेरी सारी टीम वहाँ पहुँच चुकी है, एक्सपर्ट सारे पहुँच चुके हैं, SFL, फिंगरप्रिंट, साइबर एंड लॉक स्क्वाड सभी मिलकर अथक प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्द इस मामले को हम खुलासा कर रहे हैं।